हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 में पावर्स के कुछ फार्मूले करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करने हैं। पहला फार्मूला है, जब आपके पास सेम बेस हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, यानी कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, सेम बेस है, पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तब पावर जो होती है वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है, दोनों के जो बेस है वो 5 5 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर पावर क्या है? अलग अलग है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 की पावर 2 प्लस 3, यानी कि 5 की पावर 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? प्लस होती है। ऐसे ही डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस ए की पावर एम माइनस एन। मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 5 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 7। बेस सेम है, पावर डिवाइड है, बेस सेम है, बीच में क्या डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो पहले जो नंबर पे उसको पहले लिखना है, 5 माइनस में 7, क्या आंसर आ जाएगा? 2 की पावर माइनस 2। ठीक है, कोई भी पावर माइनस की हो, कोई भी पावर माइनस की है तो उसको 1 बाय में ले जाकर प्लस की कर देंगे। जैसे कि 2 की पावर माइनस 2 है, तो हम इसको लिख देंगे 1 बाय में 2 की पावर 2। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास पावर एक जैसी हो, बेस अलग हो, पावर एक जैसी हो, ठीक है, बेस का अलग अलग हो, तो बेस की नीचे वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर क्या बन जाती है? एक बन जाती है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 3 की पावर 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 पूरे की पावर 5, यानी 6 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया हो, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 7 बाई में 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 7, तब आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपने इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करना है। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, नीचे 2 की पावर 7 है, तो ये एक जैसे हैं, तो इनको आपस में एक दूसरे के नीचे लिख दो। ऐसे ही 3 की पावर 6 7 और 3 की पावर 6। डिवाइड में पावर क्या होती है? डिवाइड का साइन हो गया ना, डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस की। जहाँ पे पावर ज़्यादा हो वहाँ पे आपने माइनस करके वो वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे पावर ज़्यादा है, 7 है, 5 7 में 5 2, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 बाय 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे करना है, डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस की। यहाँ पे क्या बड़ी वैल्यू है? 7 में 6 गए 1, तो 1 कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, 3 की पावर 1। इसको हम 1 को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 1, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2 3, और ये आ जाएगा 2 की पावर 2, क्या होता है? 4। हमारा आंसर क्या है? 3 बाय 4। इसी टाइप से आपने जो क्वेश्चन अभी भेजे हैं मैंने, वो आपने करने हैं। ओके, थैंक यू।